खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। सीआरपीएफ के जवान सुकमा जिले के अलग अलग जगहों पर सफाई अभियान कर रहे हैं। आज सुकमा जिला मुख्यालय के बाजार में जवानों ने सफाई की, वहीं जवानों ने सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों से लोहा लेने के साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने में भी तत्पर रहते हैं। सीआरपीएफ सेकेंड बटालियन के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाकर लोगों को प्रेरित किया। सुकमा जिला मुख्यालय के साप्ताहिक बाजार परिसर में सीआरपीएफ के जवानों ने परिसर में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को अपने आसपास स्वच्छता ध्यान रखने के साथ प्लास्टिक उपयोग नहीं करने के लिए प्रेरित किया। साप्ताहिक बाजार परिसर में बड़ी मात्रा में गंदगी का आलम था। सीआरपीएफ के जवानों ने एक घंटे से अधिक समय तक सफाई करने में जुटे रहे। वहीं जवानों के द्वारा सफाई देख लोग भी उनके साथ सफाई में जुट गए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है भारत को स्वच्छ बनाने का। उसमें हमारे सुकमा के सेकंड बटालियन के जवान सीआरपीएफ जवान उसमें उनका सहयोग दे रहे हैं। सुकमा को साफ कर रहे हैं, जगह जगह की सफाई कर रहे हैं और लोगों को उससे होने वाले जो बीमारियां हैं उसके बारे में बता रहे हैं और लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। हमारे जो सीआरपीएफ जवान हैं वो नक्सलियों से लोहा तो ले ही रहे हैं, उसके साथ में हमारे समाज में जो स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता नहीं है उसके प्रति जागरूकता फैला रहे हैं और हमारे समाज में जो फैली जो गंदगी है उसको दूर कर रहे हैं। और हमारे सुकमा में की जो विकास में आने वाली जो कठिनाई थी, जो नक्सली जो रोड़ा पैदा करते हैं उसको भी दूर कर रहे हैं और हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए हौसला दे रहे हैं। हाँ, ये स्वच्छता पखवाड़ा हमारी बटालियन द्वारा दिनांक 2 दिसंबर से लगातार जारी है। इससे पहले हमने स्कूल जिला पशु चिकित्सालय और प्राथमिक पाठशाला सुकमा जो कि सब्जी नगर में स्थित है और आज हम इस कड़ी में लास्ट दिन है ये सुकमा का साप्ताहिक बाजार की सफाई कर रहे हैं। पिछली बार भी इस साप्ताहिक बाजार की सफाई की थी और ये हम दूसरी बार कर रहे हैं। नॉर्मली इस बाजार में काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है, इस करके जो है यहाँ पर काफ़ी गंदगी इकट्ठा हो जाता है, इसलिए हमने ये बाज़ार चुना है जहाँ पर लगभग सभी सुकमा के सभी निवासियों का बाजार साप्ताहिक बाजार के दिन आना जाना रहता है। तो ये हमारा आखिरी दिन होगा और इसके बाद हम अपनी कैंप की थोड़ी सफाई करेंगे और इसका समापन करेंगे। बस्तर से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।